हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह है और आप मेरा यूट्यूब चैनल है एमके ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, आपका परिवार बिल्कुल ठीक ठाक होगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नई कंट्री की, उस कंट्री में कैसे वर्क परमिट मिलता है, किस टाइप का वर्क परमिट मिलता है, इसके बारे में आप लोगों को मैं आज विस्तार से बताऊँगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर दें, लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखा करें कि आपको किस देश की वीडियो चाहिए हो और आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसी कंट्री की, एक नई कंट्री की। हर बारी हर वीडियो में मैं एक नई कंट्री की वीडियो लेके आता हूँ। मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि कुछ पॉपुलर कंट्रियाँ हैं जहाँ पर हम लोग वर्क करने के लिए जाते हैं। हमारे इंडियंस, पाकिस्तान, बांग्लादेशी जो वर्कर हैं वो काम करने के लिए जाते हैं। फेमस कंट्री हैं जैसे कि यूके, कनाडा, अमेरिका, दुबई या और भी बहुत कंट्रियाँ हैं जैसे न्यूजीलैंड वगैरह हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि फेमस कंट्रियाँ हैं, यहाँ पर क्या है कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हर एक वर्कर वहाँ पर जाता है, फॉरनर वर्कर, कि जॉब्स का कम है, वर्कर ज़्यादा है, इसलिए कंपटीशन बढ़ गया है उस कंट्रियों में भी। और वहाँ पर क्या है कि जब काम के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो सिटीजन लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, कंपनियाँ हैं, वो फिर अपने हिसाब से ही पैसा देती हैं। तो मेरा मकसद ये होता है कि मैं आप लोगों को उन कंट्रियों की वीडियो बना के दूँ जिन कंट्रियों के आपने कभी नाम ना सुना हो या कभी जाने की आपने इच्छा ना जताई हो, मगर वहाँ पर काम ढेरों हैं, आपको अच्छा पैसा मिलता है, वहाँ पर करंसी आप लोगों के हिसाब से मिलती है। मीन की जो उस देश की करंसी है, जो रेट होगा उस हिसाब से मिलेगी। यानी कि मेरा मकसद है कि मैं वो वीडियोज़ बनाता हूँ जिसकी करंसी अपने इंडियन करंसी से ज़्यादा हो, आप वहाँ पर आराम से जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे ही एक नई कंट्री की वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है जॉर्जिया। जॉर्जिया कंट्री आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने काफ़ी गूगल पर सर्च मारा होगा, ये सुना सुनाया नाम है, वहाँ पर भी अच्छे वर्क होते हैं। तो दोस्तों, बात ऐसा है कि हमारे इंडिया को छोड़कर आप किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो, उनके कानून, कायदे कानून जो है अलग टाइप के हैं, उनके कायदे कानून बहुत सख्त होते हैं। चाहे आप अरब कंट्री में चले जाओ, चाहे आप यूरोप कंट्री में चले जाओ, चाहे आप किसी और कंट्री में चले जाओ, उनके जो कानून हैं बहुत सख्त होते हैं। अगर आप वहाँ पर जाकर गलतियाँ करोगे, वहाँ पर क्राइम करोगे, तो ये सज़ा तो जिस कंट्री में रह रहे हो उस कंट्री के हिसाब से मिल ही जाएगी आप लोगों को। इसलिए आप जिस कंट्री में काम करने के लिए जा रहे हो वहाँ पर बिल्कुल साफ़ सुथरा वर्क करें, कोई भी क्राइम ना करें, वहाँ पर अपडेट रहें हमेशा। और उसके बाद क्या है कि किसी भी चीज़ में ऐसे इन्वॉल्व ना हो जिससे आपकी छवि ख़राब हो और आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो दोस्तों, कंट्री कोई ख़राब नहीं होती है, बस ख़राब हम लोग होते हैं वहाँ पर जाने के बाद, फिर हम अपना खुद का दिखाना शुरू कर देते हैं, तो वो उन कंट्रियों में चलता नहीं है। तो हम काम की बात करते हैं, तो मैं बात कर रहा था जॉर्जिया की। जॉर्जिया एक बहुत अच्छी कंट्री है, टूरिस्ट प्लेस कंट्री भी है, वर्किंग कंट्री भी है, वहाँ पर घूमने के भी लोग आते हैं, वहाँ काम करने के भी लोग आते हैं। तो जॉर्जिया की मैं थोड़ी सी आप लोगों को हल्की सी एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, आप ध्यान से सुनना। जॉर्जिया एक यूरोप और एशिया के बीच की कंट्री में, बीच में आती है वो, और जो इसका कैपिटल है वो तबिलिसी है। ये काफ़ी लोग वहाँ रहते हैं, जैसे कि हमारे कैपिटल होते हैं, जैसे कि पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में काफ़ी लोग बसते हैं, तो एक कैपिटल के हिसाब से वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे ही इनकी जो कैपिटल है उसके हिसाब से ये तबिलिसी जॉर्जिया की कैपिटल है, और ऑफिशियल लैंग्वेज है जॉर्जियन। वहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश भी बोली जाती है, मगर क्या है कि उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जॉर्जियन, जैसे हमारी हिंदी है वैसे ही उनकी जॉर्जियन भाषा है। और यहाँ पर जो धर्म के लोग रहते हैं वो जॉर्जियन रहते हैं, ऑर्थोडॉक्स रहते हैं, क्रिश्चियन लोग रहते हैं, कुछ परसेंट अलग अलग धर्म के लोग भी रहते हैं वहाँ पर। जो उनकी पड़ोसी कंट्रियाँ हैं वो है रशिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की एंड ब्लैक सी। तो और भी छोटी मोटी मोटी टापू, छोटी छोटी कंट्रियाँ हैं, वो आप जाके उनके गूगल मैप पे चेक कर सकते हैं। करेंसी इनकी है जॉर्जियन लारी, तो ये इनकी करेंसी, जिसका इंडिया में रेट जो है वो है 22 रुपये। आगे पीछे थोड़ा बहुत चलता है क्योंकि शेयर मार्केट के अनुसार करेंसी चलती हैं, वो आप जाके गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। जब भी आपका दिल करे वहाँ गूगल खोलिए, जॉर्जियन करेंसी को सर्च कीजिए, आपको वहाँ का रेट जो इंडिया में रेट है वो आपको मिल जाएगा। अभी बात करते हैं हम जॉर्जिया के जॉब सेक्टर की। जॉब सेक्टर वहाँ पर जो हैं, मैंने आपको बोल दिया टूरिस्ट प्लेस कंट्री है, वहाँ वर्किंग कंट्री भी है वो, तो
जो वहाँ के जॉब सेक्टर हैं वो हैं एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग एंड माइनिंग। ये यहाँ के जॉब सेक्टर हैं जो यहाँ पर हमेशा काम चलता ही रहता है। और उसके बाद है जॉर्जिया इन डिमांड जॉब्स। जॉर्जिया में आप लोगों के लिए जो जॉब्स खुलती रहती हैं हमेशा फॉरेनर वर्करों के लिए, वो डिमांड जॉब्स हैं वहाँ पर। सर्विसिंग सेक्टर हैं, माइनिंग है, टूरिज्म है, एग्रीकल्चर एंड मोर, बहुत डिमांड है। इसी बार वीडियो में बताया था, जब भी किसी इंडस्ट्री में जॉब खुलती है तो एक पार्टिकुलरली ट्रेड के लिए जॉब नहीं खुलती है, वहाँ पर बहुत ट्रेड होते हैं। एक ट्रेड को चलाने के लिए काफ़ी ट्रेडरों का सहारा लेना पड़ता है, तो वो मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हो। और वहाँ पर क्या कि बाकी आप गूगल पर सर्च करते रहो, आप खुद भी सर्च किया करो, आप लोगों को पता लगे कि हम लोगों ने कहाँ जॉब करने के लिए जाना, कैसे जाना है। आप लोगों को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बाकी जॉब आपने कैसे लेनी है, हर वीडियो की तरह यही बताऊंगा कि आपको उनके जॉब पोर्टल के थ्रू ही जॉब मिल सकती है अगर आप खुद भर रहे हो। पहली बात है, मैं आप लोगों को बता देता हूं, पहले आप खुद अप्लाई करें, कोशिश करें, आप कर सकते हो यार, आप में हिम्मत है, मगर क्या कि आप हिम्मत दिखाते नहीं हो। आप आइए, बढ़िए इन चीज़ों के अंदर, तभी पता लगेगा आप लोगों को कि हम खुद अप्लाई कर सकते हैं, हम अपना पैसा कैसे बचा सकते हैं। जॉब तो आपको कोई भी दिला सकता है, मगर वो क्या कि अपने चार्जेस लेगा। इन चार्जेस से बचने के लिए आप लोगों को खुद ही अप्लाई करना चाहिए। अगर आपके पास अच्छी डिग्री है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप कुछ भी कर सकते हैं, इंटरनेट के माहर हैं, आपके पास इंटरनेशनल रिज्यूम है, बहुत अच्छा रिज्यूम जो आपने बनाया हुआ है, अरे फिर आप लोगों में कमी क्या है। आप लोग खुद जाइए, गूगल पर जाइए, इनकी जॉब सेक्टर में जाइए, इनके जो पोर्टल हैं जॉब के वो जाइए, वहाँ पर जाके उनको रजिस्ट्रेशन कीजिए, वहाँ पर जॉब को देखिए, आपके ट्रेड के हिसाब से जॉब है कि नहीं है। अगर है तो आप जॉब के लिए इंटरनेशनल रिज्यूम सेंड कर दीजिए। हर बार की तरह इंटरनेशनल रिज्यूम का मतलब आई कैचिंग रिज्यूम, बहुत अच्छा रिज्यूम होना चाहिए आपका। हर एक चीज़ का एक डिसिप्लिन के साथ चीज़ लिखी हो, जाके जो पढ़ने वाला इंसान है उसको पता लगता रहे कि इसने जो चीज़ लिखी है यार बहुत अच्छी तरीके से चीज़ लिखी है, जो कि उसको बहुत जल्दी समझ आ गई है। तो वो जितने अच्छे तरीके से आप लिखोगे रिज्यूम के अंदर, उतनी ही जल्दी आपको कॉन्टैक्ट करेगा, आपके मेल के थ्रू, आपके फ़ोन के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, मगर मैक्सिमम मेल के थ्रू ही कॉन्टैक्ट करते हैं। मेल वो ही अपने रिज्यूम में एंट्री कीजिए, उसी रिज्यूम में डालिए जो आप यूज करते हैं हमेशा, परमानेंटली यूज करके रखते हैं। आप मोबाइल नंबर वही डालिए जो को परमानेंटली यूज करते हैं आप। इस चीज़ों का ध्यान, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा करें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही आप लोगों को बहुत आगे लेके जाती हैं। दूसरी बात है, आपके ट्रेड के हिसाब से कंट्री के अंदर काफ़ी इंडस्ट्री ने वैकेंसीज खोल रखी हैं, तो आप अलग अलग इंडस्ट्री में वैकेंसीज भर सकते हैं, मगर ट्रेड आपका एक होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने ड्राइवरिंग भी की है, आपने प्लम्बर भी की है, आप एक साल का कहीं आपने इलेक्ट्रिशियन जो डिप्लोमा में किया हुआ है, ऐसे नहीं। अगर ऐसे करोगे तो हर एक कंट्री के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है आपको पकड़ लेगी, और फिर आपको वहाँ पर वीज़ा नहीं मिल रहा है। मगर क्या पार्टिकुलरली आपका एक ट्रेड है जिसमें आपने डिग्री की है, आपने उसमें एक्सपीरियंस लिया हुआ है, आप वो भरिए, फिर आपको वहाँ पर वैकेंसीज मिल सकती हैं। मगर अलग अलग ट्रेड में मत भरना, एक ही ट्रेड में अलग अलग इंडस्ट्री में भर सकते हो आप जॉब। इन चीज़ों का ध्यान रखा करें। और उसके बाद क्या है कि वीज़ा, आप लोगों को वीज़ा कौन सा मिलेगा। देखो, आपने रिज्यूम सेंड कर दिया वहाँ की इंडस्ट्री, वहाँ की जो एम्प्लॉयर है, आपका रिज्यूम पड़ा, आपको उसने जॉब ऑफर लेटर दे दिया मेल के थ्रू। अभी काम आपका है, आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, आपने खुद करना, वहाँ का एम्प्लॉयर, वहाँ की कंपनी आपका वीज़ा अप्लाई नहीं करेगी। किसी का मैक्सिमम कंट्रियों में अप्लाई करती हैं वो भी खुद, मगर जॉर्जिया में नहीं करेंगे, वो आपको ही वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। वीज़ा कितने प्रकार का, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी वीज़ा है कम से कम चार प्रकार का। टाइप ए वीज़ा जो कि डिप्लोमेटिक है, आप लोग पढ़ सकते हो गूगल पे भी डिप्लोमेटिक क्या चीज़ होती है, जो कि स्पेशल जैसे कि किसी मंत्री का वीज़ा हो गया, या कोई साइंटिस्ट का वीज़ा जिसने कहीं वहाँ पर काम करने के लिए, बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने जाना है, ऐसे डिप्लोमेटिक वीज़े होते हैं। बी है स्पेशल वीज़ा। स्पेशल वीज़ा ये होता है कि कोई बंदा जैसे कि वो अदर काम के लिए जा रहा है, उसको स्पेशल वीज़ा दिया जाता है। और एक होता है सी टाइप वीज़ा, जिसको शॉर्ट टर्म वीज़ा बोलते हैं, जो कि बहुत ही कम समय के लिए वर्क करने के लिए वहाँ जा रहा है, 90 दिन, 60 दिन,
इतने दिन के लिए काम करने के लिए कंपनी ने बुलाया है शॉर्ट टर्म्स के लिए, उसको शॉर्ट टर्म वीज़ा मिला कहा जाता है, जिसके लिए हम उनको मिलता है सी टाइप वीज़ा, और जिसने लॉन्ग टर्म काम करने के लिए जाना उसको मिलता है डी टाइप वीज़ा, जो कि जिसको हम बोलते हैं इमिग्रेशन वीज़ा। वर्क परमिट के लिए टाइप डी वीज़ा ही मिलता है जॉर्जिया में। इसके लिए आपको खुद अप्लाई करना पड़ेगा, आप अपना जॉब ऑफर लेटर लेके जाएं जहां इसकी जॉर्जिया की एम्बेसी है, जैसे कि दिल्ली में है, मद्रास में है, कलकत्ता में है, मुंबई में है, और भी सिटियों में एम्बेसी खुलती हैं, आप वहां पर जाइए जो आपकी नियर बाय एम्बेसी है, वहां पर जाके अपना जॉब ऑफर लेटर दिखाइए, उनके ऑफिसर से मिलिए, वो आपको बहुत अच्छी तरह गाइड करेंगे, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप लोगों को बताएंगे, आप लोग वहां पर फॉर्म भरिए, जो जो वो प्रोसेस बताते रहेंगे वो आप कंप्लीट करते रहिए, तो आप लोगों को जॉर्जिया का वीज़ा बहुत जल्दी मिल जाएगा। जॉर्जिया बहुत अच्छी कंट्री है, आप वहां पर जाके आराम से काम कर सकते हैं, आपको काम को देखते हुए आपका वर्क परमिट बढ़ेगा भी, आगे वहाँ का ऑनर या वहाँ की कंपनी बढ़ा भी सकती हैं, और वहाँ पर जो भी है वर्क परमिट के बाद वहाँ का जो रूल रेगुलेशन है वो आप फॉलो करते रहिए, आप लोगों को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे वहाँ पर, क्या पता आप लोगों को वहाँ की पीआर भी मिल जाए, तो इस चीज़ों का ध्यान रखते रहिए। आप हमेशा वहाँ जिस कंट्री में जाइए तो वहाँ पर अपने से अच्छा काम करके दिखाइए, और हमेशा उनके रूल रेगुलेशन को फॉलो करते रहिए। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को अच्छी खबर देना चाहता हूँ कि मैंने एक न्यू चैनल खोला है एमके जॉब अपडेट। जो पर्सन फॉरेन कंट्री में नहीं जाना चाहते हैं या नहीं जा सकते हैं, उनको प्रॉब्लम है, वो इंडिया में ही कोई जॉब करना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो मैं उसके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट जॉब खुलेंगी उनके बारे में मैं अपने इस चैनल में बताऊंगा। आप मेरे एमके जॉब अपडेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो उनको बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर दें साथ में, ताकि आपको नए नए जॉब्स की अपडेट मिलती रहे। तो मैं अभी उस चैनल पर मेरी वीडियोज डालनी शुरू हो जाएंगी आज से, तो आप उन चैनल को भी देखें, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी, आप लोगों को कैसी लगी मेरे को जरूर बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। दोस्तों अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी सत श्री अकाल, जय हिंद।